हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे काफी कमेंट आ रहे थे कि न्यू पेंशन कब आएगी। तो आपको सबसे पहले हम क्लियर करते हैं न्यू पेंशन कब आएगी और किन किन लोगों की पेंशन आ चुकी है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं जिन लोगों को बेसब्री से इंतजार था पेंशन का। तो 1 जनवरी को जो है दिव्यांग पेंशन आ चुकी है सभी के खाते में। और जो ओल्ड एज पेंशन थी और वृद्धा पेंशन थी, 2 जनवरी को और 3 जनवरी को भी पेंशन का पैसा भेजा गया है, और 4 तारीख को भी पेंशन का पैसा भेजा गया है। अब पेंशन का पैसा जो किसी भी अकाउंट में जा सकता है, पेंशन का पैसा जो आधार कार्ड द्वारा भेजा जा रहा है। आप ये ना सोचे जो आपने पेंशन बनते समय अकाउंट दिया था उसी अकाउंट में आपकी पेंशन जाएगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपके अकाउंट की KYC डीएक्टिवेट हो गई हो, आपके अकाउंट की KYC कंप्लीट ना हो, तो आपके अकाउंट की दूसरे अकाउंट की KYC कंप्लीट होगी। अगर उसमें आधार कार्ड लिंक होगा तो उसमें भी आपका पेंशन का पैसा जा सकता है। सरकारी योजना कोई सी भी हो, आप नरेगा का काम करते हो या गैस की सब्सिडी हो, तो उसमें जो है पेंशन का पैसा आधार कार्ड द्वारा ही भेजा जा रहा है। चाहे किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हो, वो भी आधार कार्ड द्वारा भेजा जा रहा है। अगर आपके अकाउंट में आधार कार्ड लिंक होगा तभी आपको पेंशन का पैसा मिल पाएगा। तो सबसे पहले जो आप ये चेक कर ले आपके अकाउंट की KYC कंप्लीट है या नहीं। और जिनकी न्यू पेंशन बनी है वे सोच रहे हैं कि हमारी पेंशन नहीं आई है, मुझे कमेंट आए थे कि न्यू पेंशन कब आएगी। तो हम बता दें आपको, अगर आपकी न्यू पेंशन बने हुए 3 महीने हो गए हैं, यानी 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं, तो आपकी पेंशन आ जाएगी। अगर आपने न्यू पेंशन बनवाई है और आपके 3 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं पेंशन बनाए हुए, तो अभी आपकी पेंशन नहीं आएगी। आपको वेट करना होगा, आपको इंतजार करना होगा। जिस दिन आपकी पेंशन को 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जब पेंशन आएगी तो आपकी पेंशन आ जाएगी। अब जो पेंशन आएगी मार्च में आएगी, जनवरी फरवरी मार्च की जो पेंशन आएगी, अब देखा यह जाएगा 1500 रुपये महीने के हिसाब से आएगी या 1000 रुपये महीने के हिसाब से आएगी। हो सकता है, फुल संभावना है पूरी कि 1500 रुपये महीने के हिसाब से पेंशन आ सकती है मार्च के अंदर जो पेंशन आएगी दिव्यांग विधवा वृद्ध की। अब जो पेंशन भेजी गई है 1000 रुपये महीने के हिसाब से भेजी गई है, यानी 3000 रुपये की किस्त भेजी गई है। किसी की 1 किस्त रुकी हुई थी या 2 किस्त रुकी हुई थी, उनकी पेंशन भी आ गई है। किसी की अगर 2 किस्त रुकी हुई तो 6000 है और 3000 है, यानी 9000 रुपये भी उसके खाते में भेजे गए हैं। और किसी की 2 किस्त रुकी हुई थी तो उसके 6000 रुपये उसके खाते में भेजे गए हैं। पहले क्या था, पेंशन रुकी हुई थी वो नहीं आई थी। अब पिछली बार जो पेंशन धीरे धीरे भेजी गई थी, इस बार जो पेंशन का पैसा एक साथ भेजा गया है। और जिन लोगों की पेंशन अभी तक नहीं आई है, तो दिव्यांगजन ऑफिस में जाकर पेंशन पोर्टल में अपनी पेंशन में चेक करा ले कि हमारी पेंशन में क्या दिक्कत है। दिव्यांगजन ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे पता चल जाएगा कि आपके पेंशन में क्या प्रॉब्लम है। आपकी पेंशन में KYC नहीं है, आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है, कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूरी होगी जिसकी वजह से आपकी पेंशन नहीं आ रही है। अगर आप अपना पेंशन लेना चाहते हैं, आपकी पेंशन नहीं आई है, तो आपको दिव्यांगजन ऑफिस में जरूरी जाना पड़ेगा। वहां पे आपकी पेंशन में कमी पता चलेगी, क्या कमी है आपकी पेंशन में जिस कारण आपकी पेंशन नहीं आई है। तो जल्दी से जल्दी दिव्यांगजन ऑफिस में पहुंचे जिसकी पेंशन नहीं आई है, और जिसकी पेंशन आ रही है रेगुलर, तो जल्दी जल्दी अपने अकाउंट चेक करा ले। ये SMS के इंतजार में न रहे कि हमारे मोबाइल पे SMS आएगा, मैसेज आएगा, ये जरूरी नहीं है। आप जनसेवा केंद्र पर जाकर एंट्री करा सकते हैं, चेक करा सकते हैं, बैलेंस मिनी स्टेटमेंट ले सकते हैं, बैंक में जाकर एंट्री करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।